हमारे वो है ना, बस हम माफी मांग चाहते हैं कि विरोध करने नहीं आए हैं, बस माफी मांग लो, कुछ हमें कुछ नहीं कहना, बस हम माफी मांग रहे हैं। गलती हो गई, बस हम ये गलती हो गई, बच्चे समझ के माफ कर दे उस लड़के का लाइफ। अरे यार ये बड़ी बात ना, जो सजा दे रहे हैं, जो जो पत्र वायरल किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी थी? आप लोग तो मीडिया, आपके पास बहुत पावर, बच्चों से छोटी मोटी गलती होती है तो बड़ों को क्या फर्ज होता है उनको माफ करना? फर्ज होता नहीं तो उन्होंने बस छोटा सा मजाक किया है, वो भी अपने दोस्तों के बीच में। बड़ों से भी गलती होती है, छोटों से ही हो ही है, बट उनका क्या, उनकी छोटी सी गलती है कि उन्होंने ऐसा करा। अब क्या मांगे आप, अब क्या मांगे आप? आपका नाम क्या, आप किस उससे बैठे हुए हैं यहाँ पे? अंजलि नाम है मेरा और मैं अपने के लिए बैठे हुए यहाँ पे कि उन्हें माफी दी जाए, उनसे बात करनी है कि हम माफी मांग सके। जो उनसे गलती हुई है हम मानते हैं बहुत बड़ी गलती हुई है, पर इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए जो उनकी लाइफ करियर बर्बाद कर दे, बस इसलिए हम माफी मांगना है और कुछ भी उद्देश्य नहीं है हमारा। कितने समय से आप यहाँ बैठे? अब दो घंटे हो गए हमें बैठे हुए। पुलिस आपको समझा रही थी? हमें उनसे बात नहीं हुई, हमारे फ्रेंड्स उनकी बात हुई है तो हमें इसके बारे में पता नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि बस माफी दे दी जाए उनको और कुछ भी नहीं। हमारे देश अभी तक कोई अधिकारी नहीं है, कब तक आप इस तरीके से? जब तक वो आने जाते हम बैठे रहेंगे, जब तक सर हमें माफ नहीं कर देते हम बैठे रहेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। और उनपे कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है, ये भी पूरे साल मेहनत करने के बाद अब 1 मंथ रह गया जब एग्जाम्स का, तो बच्चों के हाँ एक गलती के लिए उनका पूरा करियर, पूरा फ्यूचर। ऐसा थोड़ी ना है कि ये गलती करके उनके साथ कुछ हो रहा है कि उनकी लाइफ नहीं, लाइफ तो बहुत बड़ी होती है ना, और जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, ना तो कोई सरकारी जॉब मिलेगी उन्हें ना कुछ। चलिए ठीक है, बच्चे बता रहे हैं बच्चे उनकी उनके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है, हम उनको यही समझाना है, प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन पर जो विधि तरीके होंगे वो उसी तरीके से उन पर जो निर्णय होगा वो हमें निर्णय होंगे सारी। हमारा यही कहना है बच्चों से, बच्चे लॉस में हो, 26 तारीख का प्री बोर्ड परीक्षा होने जा रही है, प्री बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में लग जाए, यही हमारा संदेश है और यही हम कहना चाह रहे हैं बच्चों को लॉस नहीं। बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चों के सामने आप देख रहे हैं, बच्चों का कहने का ये है कि बर्फी के रूप में हमने ये भी कहा है बच्चों से, आपके सामने बच्चे 2 या 4 बच्चों को, जी सर आपकी समस्या जो भी है आपकी जो बात है निर्णय तो बनते प्रशासन को। सर क्या उम्र बच्चों को स्कूल से निकाल दिया ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? इस बारे में तो भी प्रशासनिक स्तर पर निर्णय किया जाता है, जैसे विभाग का निर्णय हो तो प्रशासन का। ये बच्चे यहाँ बैठे हैं इसके बारे में स्कूल प्रशासन कुछ जानकारी पहले से थी या नहीं? अभी जानकारी में आई, अभी जानकारी। देखिए दो लड़के हैं जीआईसी में जो पढ़ते हैं नोएडा में, इन्होंने डीएम साहब के ऑर्डर को मैनिपुलेट किया, फोर्ज किया उसे, और उसमें 23-24 तारीख की छुट्टी स्कूल्स में घोषित करने संबंधी आदेश, फर्जी आदेश एक निर्गत कर दिया, और इनका उद्देश्य ये था कि ये छुट्टी लेना चाहते थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इन्होंने सर्कुलेट किया, दोनों जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किए जा रहे हैं। सर जब पकड़े गए तो किस ऐप के बेस से और कैसे इन्होंने ये चेंज किया था, क्या इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि एक ऐप है पीआई कार्ड्स नाम से, वो अवेलेबल है जिसमें कि पीडीएफ फाइल्स में एडिट हो जाता है, और उसी का उन्होंने यूज़ किया और इस तरीके का फोर्जरी इन्होंने किया। थैंक यू सर।